दिग्गज अमेरिकी कंपनी पेप्सिको ने अपने पेटेंट आलू की खेती को लेकर गुजरात के 4 किसानों पर मुकदमा दर्ज कराने और प्रत्येक किसानों से 1.5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग के बाद अब नरमी दिखाई है। कंपनी ने कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाने के लिए किसानों को अपने प्रोग्राम में शामिल होने या एग्रीमेंट पर साइन करने का विकल्प दिया है। कंपनी ने 4 भारतीय किसानों के खिलाफ पेटेंट के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। पेप्सिको ने इन किसानों पर अपने पेटेंट आलू की किस्म की अवैध खेती करने का आरोप लगाया है। पेप्सी ने आलू की FC5 किस्म उगाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया था। आलू की इस किस्म का इस्तेमाल कंपनी अपने लोकप्रिय लेज पोटैटो चिप्स बनाने में करती है। आलू की इस किस्म में पानी की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल पोटैटो चिप्स बनाने में होता है। पेप्सिको इंडिया ने शनिवार को कहा कि कंपनी ने उन लोगों के सामने सहमति से मुद्दे को सुलझाने का प्रस्ताव रखा है जो अवैध रूप से इसके रजिस्टर्ड किस्म के बीज का इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी ने प्रस्ताव रखा है कि किसान पेप्सिको के आलू खेती कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। नमकीन और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली पेप्सिको ने कहा है कि यदि किसान ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक एग्रीमेंट पर साइन करके अलग किस्म के आलू का उत्पादन कर सकते हैं। किसानों पर केस को लेकर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि उन्हें न्यायिक रास्ता हजारों किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लेना पड़ा जो उनके साथ आलू की खेती कर रहे हैं। किसानों के वकील ने बताया कि अहमदाबाद की एक अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख मुकर्रर की है।